हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में। और दोस्तों, ये व्लॉग है आपका, वैसे तो आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा, लेकिन ये एक स्पेशल व्लॉग बना रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, कंबोडिया से थाईलैंड। अगर आप कंबोडिया ट्रेवल कर रहे हैं और आप फ्लाइट से, क्योंकि कंबोडिया से फ्लाइट्स बहुत ही एक्सपेंसिव है, सो अगर आप और थोड़ा सा एक अलग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि मैं लैंड बॉर्डर से थाईलैंड कैसे जाऊं, सो अगर आप कंबोडिया से लैंड बॉर्डर से आप थाईलैंड बैंकॉक जाना चाहते हैं तो वो पॉसिबल है। और ये व्लॉग उसी के ऊपर है। इस व्लॉग में आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कंबोडिया से आप बैंकॉक थाईलैंड कैसे लैंड बॉर्डर से जा सकते हैं, कितने चार्जेस लगते हैं, कितना टाइम लगता है, कितनी दूरी पे है, और कंबोडिया का इमिग्रेशन कैसे क्लियर करते हैं, थाईलैंड का इमिग्रेशन कैसे क्लियर करते हैं, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है थाईलैंड इमिग्रेशन में। क्योंकि मैं यहाँ पर कंबोडिया में एक ट्रैवल एजेंट से मिला और उन्होंने मुझे बोला कि आप कंबोडिया से थाईलैंड आप फ्लाइट लेके चले जाइए, आप लैंड बॉर्डर से मत जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है। ही सेड कि आई शुड हैव एटलीस्ट 20,000 थाई बाट के आसपास मेरे पास शो मनी होना चाहिए अगर मैं यहाँ से लैंड बॉर्डर से थाईलैंड बैंकॉक जाता हूँ, जो कि मेरे पास 20,000 छोड़ के 100 थाई बाट भी नहीं है मेरी पॉकेट में। और दूसरी चीज़ उन्होंने बोली कि आपके पास रिटर्न टिकट्स होनी चाहिए कि आप थाईलैंड से आप एग्ज़िट कर रहे हैं सो एंड सो डेट को, और होटल बुकिंग्स। ये तीनों चीज़ दोस्तों मेरे पास नहीं है, ना ही मेरे पास होटल बुकिंग है, ना ही मेरे पास रिटर्न फ्लाइट टिकट है, ना ही मेरे पास शो मनी है। सो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। देखते हैं आगे जाके मुझे क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं और किस तरह से मैं बैंकॉक थाईलैंड पहुंचता हूं। दोस्तों, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूं, बहुत सारे लोग व्लॉग्स देखते हैं और अच्छा लगता है। पहली जो मैंने अपनी ये सीरीज स्टार्ट करी थी, ये स्टार्ट करी थी मैंने वियतनाम से। सो मैं इंडिया से पहले वियतनाम आया, और वियतनाम से फिर मैं लैंड बॉर्डर से मैं आया कंबोडिया। सो वियतनाम से कंबोडिया लैंड बॉर्डर की आप ये वाली वीडियो ज़रूर देख लेना। इस वीडियो में आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप वियतनाम से कंबोडिया लैंड बॉर्डर से आप कैसे आ सकते हैं, और जब आप इंडिया से वियतनाम का वीज़ा अप्लाई करते हैं या वियतनाम आने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर देखना, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने दी हुई है। और थाईलैंड का वीज़ा, आई वुड से कि आप VOA वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है, पर आप उसको अवॉइड कीजिएगा। थाईलैंड का VOA एक तो एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू स्टीगर वीज़ा, और स्टीगर वीज़ा पासपोर्ट में थोड़ा अच्छा भी लगता है। सो अगर आप थाईलैंड का स्टीगर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो देख लेना, इस वीडियो में पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। एंड कंबोडिया का स्टीगर वीज़ा लेना चाहते हैं तो ये वीडियो देखिए, इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन है। दोस्तों, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इन वीडियोज़ में दे रखी है, आपको किसी भी कंसल्टेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, और सारा काम आप बहुत आसानी से अपने आप कर सकते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि लैंड बॉर्डर से हम कैसे थाईलैंड पहुँचते हैं। और जो भी मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो इसको ज़रूर लाइक करना, और यार कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखना कि आपका नाम और आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। ये थोड़ा सा एक अच्छा लगता है कि मुझे कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप जैसे कोई बंदा दिल्ली से देख रहा है और आपका नाम अमन है, तो आप लिख देंगे अमन फ्रॉम न्यू दिल्ली, आप अमन फ्रॉम बॉम्बे, अमन फ्रॉम कलकत्ता, अमन फ्रॉम राजस्थान, हरियाणा, और कहाँ जहाँ से भी आप वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज़ आप अपने लोकेशन और अपना नाम लिखिए, थोड़ा सा अच्छा लगता है। और अगर आप लोगों को कुछ वीडियोस में कोई इन्फॉर्मेशन मेरे से मिस हो जाती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए कि भाई साहब इस टॉपिक के बारे में बताइए, या फिर ये इन्फॉर्मेशन बताइए। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन छूट जाती है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँगा। एंड प्लीज़ आई विल मेक श्योर कि नेक्स्ट वीडियो में मैं उस चीज़ को ज़रूर ऐड करूँगा। सो चलिए चलते हैं। अब क्या करना है कि मैंने अपनी एक ट्रैवल एजेंसी से मैंने बात करी है, और वहाँ से मैंने 2 टिकट्स, बच्चे की फ्री है, मेरी और मेरी वाइफ की, मैंने 2 टिकट्स बुक करवाई है कंबोडिया फनोम फैन से बैंकॉक जाने के लिए। और उन मेरा सुबह का मॉर्निंग का टाइम होगा, कल सुबह मुझे 8 AM मेरे को एक मे बी ऑटो या टैक्सी या टुक टुक मुझे लेने के लिए आएगा, और वहाँ से फिर मैं ट्रैवल एजेंसी जाऊँगा, मतलब होटल से ही मेरा पिकअप है और ट्रैवल एजेंसी तक, और ट्रैवल एजेंसी से वहाँ से एक मिनी वैन चलेगी और वो हमें लेके जाएगी
कंबोडिया बॉर्डर, और फिर हम बॉर्डर क्रॉसिंग करेंगे, फिर थाईलैंड बॉर्डर क्रॉस करने के बाद में वहाँ पे उसी कंपनी की दूसरी मिनी वैन होगी और वो वैन हमें लेके जाएगी बैंकॉक। सो इस वीडियो में आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेट्स गो टुमारो मॉर्निंग बैंकॉक। सो गाइस, अब हमने बस ले ली है, दिस इज़ अ मिनी बस। देखिए आप, स्मॉल बस है, मिनी बस, और अब हम जा रहे हैं नॉम फेन से बैंकॉक, और ये सफ़र होने वाला है बहुत ही लंबा, और डिस्टेंस मुझे लग रहा है ये कुछ 700 से 1000, आई नीड टू चेक यार, मैंने देखा नहीं है। आपको एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आ रही है कि मैं नॉम फेन से बैंकॉक कितनी किलोमीटर है। सो ये जो मिनी बस है ये हमने लिए $30 में पर पर्सन, $30 पर पर्सन फनॉम फेन टू बैंकॉक, और दिखाएंगे आपको कि सफ़र कैसा रहता है, कितना लंबा है, किस तरह का जो रास्ता होता है, किस तरह का रास्ता होता है, कितना अमेजिंग ये ट्रैवल होने वाली आज की। सो आई विल कीप यू अपडेट। सो गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं एक मिडवे पे, और देखिए बहुत ही बेहतरीन ब्यूटीफुल सा बिल्कुल ग्रीन रिजॉर्ट है ये। सो मिडवे तो नहीं बोलूँगा, आई थिंक अभी हम 8 o'clock हमने बस ली थी, दिस मिनी वैन, यू कैन सी दिस इज आवर वैन, दिस मिनी वैन वी टुक एट 8 AM, 8 बजे हमने ये बस ली थी, और अभी हो रहा है 10:30। सो ऑलमोस्ट 2.5 घंटे बाद में इन्होंने किसी रिजॉर्ट पे यहाँ पर रोका है, और यहाँ पर हम कुछ स्नैक्स वगैरह खा रहे हैं। सो ये रिजॉर्ट है यहाँ पर, और गाइस बने रहिए आप इस वीडियो में, इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा आज। देखिए मैं सिर्फ आप लोगों के लिए और वीडियो बनाने के लिए मैंने क्या किया है कि मैं लैंड बॉर्डर से जा रहा हूँ फनॉम फेन कंबोडिया से थाईलैंड के लिए, जस्ट टू मेक दिस वीडियो सो दैट आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में अपडेट दे पाऊँ, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है अगर आप लैंड बॉर्डर से जाते हैं तो, और क्या किस तरह का वहाँ पे प्रोसेस होता है, क्या यहाँ पे करप्शन है, क्या है नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी। सो मेरे पास क्या डॉक्यूमेंट्स है इस समय, देखिए मेरे पास सिर्फ है एक थाई पास, और मेरे पास है थाईलैंड का वीज़ा, हम तीनों के पास, आई एम ट्रैवलिंग विद माय फैमिली, सो हम तीनों के पास थाईलैंड का स्टिकर वीज़ा है, और हम तीनों के पास थाई पास है। अब मेरे पास ना वहाँ की होटल बुकिंग है, ना मेरे पास रिटर्न टिकट्स है, एंड ना मेरे पास शो मनी है। सो मैं आप लोगों को दिखाऊँगा इस वीडियो में कि विदाउट शो मनी, विदाउट होटल बुकिंग एंड विदाउट रिटर्न फ्लाइट टिकट्स, लेट्स सी कि मैं किस तरह से इमिग्रेशन को क्लियर करता हूँ, और कैसे मैं बैंकॉक पहुँचता हूँ, क्या क्या मुझे परेशानियाँ आती है, क्या वो मुझे इमिग्रेशन को क्लियर करने देंगे या नहीं करने देंगे, दिस इज टच वुड, वो मुझे इमिग्रेशन क्लियर करने दे। सो आप लोगों को बताऊँगा मैं, और अगर मेरे को नहीं वहाँ पर क्लियर करने देते इमिग्रेशन, तो फिर मैं वहाँ पर इंस्टेंटली किस तरह से अरेंजमेंट्स करता हूँ, कैसे मैं फ़्लाइट टिकट बुक करूँगा, कैसे मैं होटल की बुकिंग करूँगा, और कैसे मैं वहाँ पे शो मनी वाला जो प्रॉब्लम मुझे आने वाली है मैं उसको किस तरह से डील करूँगा। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अभी तक आपने लाइक नहीं किया, फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर नहीं किया है, एंड अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कोई बात नहीं यार, क्या जल्दी पड़ी है, कर लेना अभी। सो गाइस, 1 कोका कोला लिए मैंने, एंड 1 वाटर बॉटल लिए यहाँ से, टोटल कॉस्टिंग आई है मुझे 6,000 रियल, विच इज़ मोर देन $1, वन एंड आई थिंक $1.5।
अब हम पहुंच चुके हैं ये पॉई पैट, जो कि पॉई पैट देखिए, पॉई पैट बैंकॉक, ये थाईलैंड और कंबोडिया का बॉर्डर है। यहाँ पर हमारी ये वैन रुक गई है और ये इनकी ट्रैवल एजेंसी वालों का ऑफिस है। ये इस तरह का लैनियार्ड देते हैं पहनने के लिए और लेट्स सी आगे क्या प्रोसेस होता है। अब ये ट्रैवल एजेंसी वाला भाई है, ये स्कूटी वाला, ये जाएगा वहाँ पर सामने। आप देखिए पॉई पैट बैंकॉक का बॉर्डर है सामने, तो ये हमारा वहाँ से इमिग्रेशन क्लियर करवाएगा। सो गाइस, ये आ गया है बॉर्डर और अब हमें यहाँ पर इमिग्रेशन क्लियर करवाना है। और ये डिपार्चर है और कंबोडिया का इमिग्रेशन क्लियर करेंगे, पहले कंबोडिया को एग्जिट करेंगे। अभी पैदल पैदल चल रहे हैं इमिग्रेशन की तरफ और उसके बाद में थाईलैंड की एंट्री करेंगे। ये बंदा जा रहा है हमारे साथ, हम इसको फॉलो कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ है डिपार्चर, आप देख पा रहे हैं तो डिपार्चर, और वो देखिए द ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर चेक पॉइंट पॉई पैट। ओके, सो गाइस कंबोडिया का ये इमिग्रेशन यहाँ से क्लियर कर लिया हमने और 300 थाई बाट रिश्वत मांग रहे थे तो वो मैंने देने से मना कर दिया, तो थोड़ी सी गुस्सा हो गई वो। लेकिन उससे पहले मेरे पासपोर्ट पे एग्जिट की स्टैम्प लग चुकी थी, सो आई वॉज श्योर कि अब कुछ नहीं हो सकता। सो आगे चल रहे हैं, अब जा रहे हैं हम थाईलैंड का वीज़ा लेने के लिए। थाईलैंड का वीज़ा मेरे पास ऑलरेडी है थाईलैंड की एंट्री लेने के लिए। लेट्स सी ये इमिग्रेशन कैसे होता है। सो ये कंबोडिया के फ्लैग से देखिए आप, कंबोडिया के फ्लैग्स अब यहाँ पर जाते ही एंड हो जाएंगे। कंबोडिया ये लो, यहाँ से कंबोडिया फिनिश और ये स्टार्ट हो गया थाईलैंड। दिस ब्रिज इज डोनेटेड बाय ब्रिटिश थाईलैंड, ठीक है। और ये आ गया थाईलैंड का फ्लैग, अब ये देखिए थाईलैंड का फ्लैग दिख गया आपको। सो अब हम आ चुके हैं थाईलैंड के अंदर। अब आ गए थाईलैंड में और थाईलैंड का इमिग्रेशन और क्लियर करते हैं। लेट्स सी कैसा क्या एक्सपीरियंस रहता है। बहुत कम डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास। गाइस विश मी अ गुड लक कि मेरे को यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी ना आए। सो गाइस यहाँ पर से मेरे को ये मिला है एक, ये फॉर्म है जब लैंड बॉर्डर से आप जाते हैं तो ये मुझे फिल करके देना है और उससे पहले मुझे एक ये स्लिप मिली है। गाइस देखिए यहाँ पर इमिग्रेशन मुझे ये जो फॉर्म मिला है, इस फॉर्म को देखिए आप, इसमें हिंदी में लिखा हुआ है उपनाम, नाम एंड मध्य नाम, जन्म तारीख, पासपोर्ट संख्या, हिंदी इंग्लिश और थाई दोनों में, तीनों में लिखा हुआ है। जबकि मैं आ रहा हूँ कंबोडिया से, कंबोडिया से मैं थाईलैंड आ रहा हूँ, फिर भी इन्होंने हिंदी में दे रखा है। सो गाइस ये फॉर्म भर लिए हैं और ये है पैसेंजर्स फॉरेन पासपोर्ट, सॉरी, और विल गो फ्रॉम हियर। सो इमिग्रेशन के काउंटर्स है थाईलैंड के और वीज़ा मेरा लगा हुआ है, लेट्स सी क्या होता है। सो गाइस ये पासपोर्ट मेरे हाथ में आ चुके हैं और मैंने अभी थाईलैंड का इमिग्रेशन क्लियर कर लिया है। एक सेकेंड, गाइस बहुत बढ़िया इमिग्रेशन एक्सपीरियंस रहा, कुछ भी नहीं पूछा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ली गई है और ये हर बार की तरह इस बार भी हो गया। और आप लोगों के लिए मैंने बहुत रिस्क ली थी जस्ट टू शूट दिस वीडियो। अब होटल जाके बताएंगे यार, सुबह 8 बजे चले थे, अभी शाम के हो रहे हैं 5 और अभी हमने पॉई पैट जो शहर है और बॉर्डर है थाईलैंड की ज़मीन पर अभी पहुँचे हैं। अब यहाँ से हमें जाना है बैंकॉक, वो अगेन एक लंबी ट्रैवल होगी यहाँ से। आप लोग चेक करके बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कि फनोम फैन कंबोडिया से बैंकॉक थाईलैंड कितनी दूर है और कितना ट्रैवल टाइम है। सो अब यहाँ से जो जो ट्रैवल एजेंसी जिसने देखो मेरे को ये लैंड यार्ड दे रखा है,
उसी की आगे गाड़ी बॉर्डर पार खड़ी है, हमने इमिग्रेशन क्लियर करवाया है और अब हम बॉर्डर पार करते हुए उसी गाड़ी में जाएंगे। मिनी वैन होती है वो, मिनी बस टाइप की मिनी वैन, और वो अब हमें लेके जाएगी बैंकॉक थाईलैंड। आर यू रेडी टू सी और एक्सप्लोर बैंकॉक? ये थाईलैंड कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। दिस इज बॉर्डर होटल। सो ये भाई साहब है, इनको फॉलो करना है हमें, और सब में इसी कंपनी का, ये सारे लोग हैं, हम इसी कंपनी का लैंड यार्ड है सबके पास। और अब हमारी आगे की कार इंतज़ार कर रही है बैंकॉक के लिए। सो गाइस, ये अगली वैन है जो हमें यहाँ से पॉयपेट बॉर्डर से लेके जाएगी बैंकॉक थाईलैंड। ओके, वाह, ये सारे बैग्स वगैरह रखने हैं हमें यहाँ पे। सो गाइस, मिनी वैन ले ली है, बस ले ली है और अगली ट्रेवल के लिए रेडी है। और दोस्तों, फाइनली हमारी यहाँ से हमारी थाईलैंड की यात्रा शुरू होती है। सो गाइस, शाम के 6:30 बज चुके हैं, अभी तक बैंकॉक नहीं पहुंच पाए हैं। अभी एक मिडवे पे रुके थे, ये वाली लेस मैंने ली है, ये लेस मिली है 20 थाई बाट की, और यू सी दिस, ये स्पाइसी वाली है। गाइस, शाम के 7:30 हो चुके हैं, 7:30, और मॉर्निंग में निकले थे हम 8 AM, अभी तक हम बैंकॉक नहीं पहुंचे हैं। ये एक यहाँ पे है 7-Eleven, यहाँ पर रुके हैं मिडवे के लिए, कुछ वॉशरूम जाना है, किसी को कुछ खाना है। सो आई थिंक हम पहुँचेंगे 9:30 पहुँचेंगे हम बैंकॉक। दोस्तों, अब बैंकॉक पहुंच चुके हैं, 9:30 के आसपास टाइम हो गया है, और अब यहां से ग्रैब करके एक जैसे टैक्सी है, ऐप है ग्रैब, जैसे अपना उबर ओला है वैसे ही सब, वो टैक्सी लिए होटल जाने के लिए, और ये ले रहा है 158 थाई बाट, ये चल रहा है भाई। आगे मिलेंगे आप सबसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।